सोशल मीडिया पर भोजपुरी कोरोना महामारी सॉन्ग से चाचा माई कैमूर की बेटी वायरल वीडियो खूब मचा रहा है धमाल। 3 मिलियन से ज्यादा है व्यूअर्स, करोड़ों लोगों द्वारा कोरोना सॉन्ग को किया जा रहा है पसंद। डर लागे अब दीने दोपहरिया हो, कोरोना महामार हो गई। जीएम डीएम सीएम पीएम के ऑर्डर मान ले हूँ जनता, करे हूँ ना निरादर, निकले हूँ ना ही कोई बहरिया। दरअसल यह कोरोना महामारी सॉन्ग बिहार के कैमूर जिले के रामगढ़ प्रखंड के एक छोटे से गांव जंदाहा की बेटी नेहा सिंह का कोरोना भोजपुरी सॉन्ग सोशल मीडिया पर गाने के बाद खूब सुर्खियां बट हो गई है। नेहा का कोरोना सॉन्ग काफी चर्चा का विषय बना हुआ है। पहले तो आभारी हूँ सोशल मीडिया का, जिन्होंने मेरे गाने को इतना ज्यादा प्यार दिया है। लोगों को अच्छा लगता है, लोग सराहते हैं, तो शब्द नहीं है कि मुझे कैसा लग रहा है अभी, मतलब बहुत ज्यादा इमोशनल। कहाँ से आइडिया आया कि कोरोना के प्रति लोगों को जागरूक करने के लिए आपने इस भोजपुरी का यूज किया? क्योंकि मुझे लगता है गांव देहात में कम पढ़े लिखे लोग हैं, और जनसाधारण की भाषा में कुछ ऐसा होना चाहिए जो जन जन तक पहुंचे, और जो जिस तरह की अफवाहें हैं कोरोना के बारे में, वो अफवाहों से बचे, समझे चीजों को कि वास्तविकता क्या है। यथार्थ बच्ची को ही सिखाना चाहिए, सोशल मीडिया पर आना चाहिए बच्ची को, उनको बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगता है। हम तो भी छोटे से बहुत गाना वाना गाते हैं, मेरी लड़की मेरा साथी सपोर्ट करते करते भी हमसे बहुत आगे चल गई, हमको बहुत बहुत खुशी हुई। और आप क्या उम्मीद रखते हैं कि परिवार हमेशा इनका साथ देगा? हाँ हाँ, सब परिवार साथ देगा। तो ये लोकगीत के माध्यम से, जिसमें कि अश्लीलता को ध्यान में रखते हुए कि कभी इसका यूज ना हो, एक मैं फिर से रिपीट करता हूँ कि एक माँ और पुत्र भी बैठ करके इस गाने को सुन सकें, ऐसा गाना बनना चाहिए समाज में, एक पिता और बेटी भी बैठ करके जिस गाने को एंजॉय कर सकें, तो इन्हीं सबको ध्यान में रखते हुए इसको बार बार मोटिवेट किया जाता है कि आप इन्हीं सब को ध्यान में रखते अपना गाना को बनाओ। नहीं, जब आप तरक्की करते हैं तो आलोचनाएं भी आपके साथ साथ चलती हैं, दोनों पैरेलल चलते हैं, लेकिन हमको उस आलोचना को छोड़ करके मुझे अपने मार्ग जो भी है उसको प्रशस्त करना है, उसके लिए चाहे जितनी भी मेहनत करनी पड़े हम लोग, तो आलोचनाओं से नहीं घबराना है। क्या जी?